और अभी ये टूट गया है, देखिए कलर कुछ इस तरीके का होता है। वो है कार्टिमोन मैंगो जी, कार्टिमोन। हाँ ये देखो, ये फल लगा हुआ जी। ये फल कवर क्यों कर दिया गया सर? ये कवर कर दिया, थोड़ा साफ सुथरा रहे। कलर से गंदा हो जाता है जी, जी ऐसे गंदा नहीं रहेगा। जैसे ये कलर खराब हो गया वैसा नहीं होता। हाँ वैसा नहीं, कवर करने से साफ रहता है। कितने का फल चल रहा है? इसका फल कितने का रहता? ये फल 270,000 रूपए किलो है इसका। इस पौधे का फल 270,000 का? जी जी। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ लखनऊ के पास मलिहाबाद में, जहाँ के पौधे पूरे इंडिया में हर जगह जाते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी नर्सरी पर लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल ग्राफ्टिंग के मैंगो के पौधे, यानी कि एक आम के पौधे पर 10 तरीके की ग्राफ्टिंग के पौधे मिल जाएंगे। यानी कि एक आम के पौधे पर आप लोग 10 तरीके के फल ले सकते हैं। इसके अलावा इस नर्सरी पर आप लोगों को 200 आम की वैरायटी मिल जाएंगी, आम के पौधे की 200 वैरायटी के अलावा। इसके अलावा और भी दूसरे यहाँ पर फल वाले पौधे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए इस नर्सरी को विजिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पौधे मिल जाते हैं और किस रेट में मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पहले मैं आप लोगों को मिलवाता हूं इस नर्सरी के जो ऑनर हैं उनसे, और पूरा एड्रेस जानते हैं और क्या क्या यहां पर ऑनलाइन की सुविधा है या नहीं है। तो सर हमारे साथ हैं, सर क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम जुबैर अहमद है जी, और ये मलिहाबाद में हमारी नर्सरी है, हमदर्द मैंगो प्लांट नर्सरी के नाम से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये पौधे हैं, ये कौन कौन सी वैरायटी के पौधे हैं यहाँ पर? ये जो है ऑल टाइम मैंगो है। ये ऑल टाइम मैंगो है? हाँ जी, ऑल टाइम मैंगो है, थाईलैंड वैरायटी है। अच्छा ये थाईलैंड की वैरायटी है, ये आप बाहर से मंगाते हो? आपके यहाँ तैयार होता है? यहाँ तैयार हो रहा, आपके यही तैयार हो रहा? पहले मतलब प्लांट मंगाया था, अब यही तैयार हो रहा। तो आपके यहाँ पर ये ऑल टाइम मैंगो तैयार हो रहा है, जो की थाईलैंड की वैरायटी है। अच्छा सर ये 3 फीट का पौधा होगा तो इसका क्या प्राइस रहता है? इसका प्राइस जो है 300 रूपए का है। अच्छा 300 रूपए का रहता है? छोटा छोटा प्लांट है ये, वो जो है 100 रूपए का है। अच्छा इससे छोटा वो 100 रूपए का रहता है। हाँ। छोटे पौधों के अलावा सर के पास बड़े बड़े पौधे भी हैं, जो कि 7-8 फीट के पौधे हैं जी, जी। और ये सर कौन सी वैरायटी है और इसका क्या रेट है? हाँ दशहरी है, चौसा है, लिंगड़ा है। ये 200 रूपए का है, 150 रूपए का, 250 रूपए कैसे? अच्छा मल्टीपल ग्राफ्टिंग वाले मैंगो के पौधे को देखने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और पौधे दिखाना चाहता हूँ, जो की ग्रो बैग में लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ से आप ले जाइए और घर पर सिर्फ आप लोगों को रखना है, केयर करनी है, और आप लोग गमले में ही आम के पौधे से आम ले सकते हैं। तो सर ये जो वैरायटी है ये कौन कौन सी वैरायटी है और क्या रेट है? जी जी ये थाईलैंड वैरायटी है जी। हाँ ये वो है BN7। BN7 हाँ, बहुत अच्छा कलर होता है जी, हल्का सा जो है नीला कलर होगा इसमें। अच्छा ये आम का पौधा देख ले आप, इस तरीके का होता है BN7, और कलर सर ने आपको बताया दिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये वाला भी पौधा आप लोग देख रहे होंगे। हाँ ये वो है गुलाब खास, बहुत अच्छा आम होता है। अच्छा खाने में बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा। और कलर वैरायटी है जी जी। और आप लोग देख सकते हैं ये जो पौधा है ना, ये छोटे से गमले में लगा, मतलब ग्रो बैग में लगा हुआ है। देखिए छोटा सा ग्रो बैग है और पौधा देखो आप लोग कितना बड़ा है, देखिए पौधा कितना बड़ा है। और इसके अलावा देखिए इधर की साइड में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये कौन सा सर पौधा? ये है नेम डेकोमई, थाईलैंड वैरायटी है। अच्छा बहुत अच्छा आम होता है खाने में जी। हाँ तो इसका क्या प्राइस है सर? इसका इसका जो है 1500 रूपए का है, बड़ी बैग में, कोई बहुत महंगा नहीं है, आप लगाइए। 1500 है, देखिए छोटे सही ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसका 1500 प्राइस है। और सर इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हुई इस बार हुई थी क्या? इस बार हुई थी, फल आए थे उसमें जी। तो ये इसी ग्रो बैग में चलता रहेगा या ज्यादा बड़ा चाहिए होता? चल जाएगा अगर रखना चाहे, अगर जो है उसको चेंज करना चाहे चेंज कर ले। अच्छा थोड़ा बड़े बैग में कर ले। अच्छा मतलब ज्यादा बड़े में लगाओगे तो और अच्छी फ्रूटिंग रहेगी, 5-10 साल चल थोड़ा इसमें रहेगा तो कम फ्रूटिंग रहेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, ये सर ये कौन सा पौधा है? ये लंगड़ा है। अच्छा ये लंगड़ा का पौधा जी जी, जो कि ग्रो बैग में लगा हुआ है। सर ये कितना एज का होगा पौधा? ये है करीब जी 3 साल एज का है ये। अच्छा इसका क्या रेट रहता है? हाँ ये इसका भी वही करीब लगभग 3000 का पौधा पड़ेगा, ये बोनसाई बनाया गया है। अच्छा ये बोनसाई के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए कार्टिमोन मैंगो है ये, कार्टिमोन मैंगो। हाँ ये 2 बार फलता है। अच्छा इसका खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है जी। अरे ये तो फल टूट गया, इसका पक गया ये। अच्छा पक गया, रेडी हो चुका है जी, ये रेडी तो हो गया। कुछ इस तरीके का होता है कार्टिमोन, बहुत अच्छा खाने में। और देखिए खाने में काफी स्वादिष्ट हो रहा है ये, ऐसा सुना मैंने जी जी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी खा के देखिएगा भी। और ये जो है इसमें अभी 2-3 वैरायटी तैयार की जा रही है, हो गई है मल्टीपल ग्राफ्टिंग की जा रही है सर जी जी, हो गई है क्या है जी? हाँ एक ये है और एक उधर है और एक ये है। हाँ एक ये है। अच्छा जी हाँ ये गाबचा का पात है जी, और एक ही पौधे पर 3 से 4 ग्राफ्टिंग आपने कर दी। हाँ हाँ जी, कार्टिमोन पे। ये अल्फांसो है जी, इस पे अल्फांसो हो गया ये। हाँ हाँ और ये जो है मतरम है, क्या है मतरम? मारिया। अच्छा
तो हाँ। एक तो ये पौधा जो सवाल लिखा है कलर है। अच्छा बहुत है वैरायटी जो है फल तो जो है। अभी आगे चलते हैं और दूसरी वैरायटी देखते हैं। सर टोटल कितनी वैरायटी है आपके पास आम की? हमारे पास बहुत है वैरायटी। गिनती के हिसाब से लगाया जाए तो कितने होंगे? कम से कम 200 वैरायटी होंगी। 200 आम की वैरायटी है आपके पास? अच्छा जी बहुत वैरायटी है। अब ये जो है ये देखिए 15 अगस्त मैंगो है। अच्छा ये देखिए इसका कलर जो आपका फेवरेट है जो आपने तैयार किया। जी 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 ये 15 अगस्त मैंगो और अभी हम आपको बड़ा पौधा भी दिखाएंगे। ये गमले में लगा हुआ है। जी जी तो इसका कलर कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा ये तो लग रहा है रेडी हो चुका है। ये रेडी हो गया पक गया। तो इस पर दो मैंगो लगे हुए हैं फिलहाल छोटे से ग्रो बैग में। देखिए थैली में ये तोड़े धीरे धीरे इसको तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ लिया गया है और अभी ये टूट गया है। देखिए कलर कुछ इस तरीके का होता है 15 अगस्त मैंगो का। अब ये देखिए और बाकी देखिए उधर की साइड में एक और लगा हुआ फल उसको भी तोड़ रहे हैं सर। तो ये सर इसकी फ्रूटिंग का टाइम कब रहता है? इसका अलग रहता है नॉर्मल से? ये भी पक गया जी देख सकते हैं ये भी पक गया है। कलर कितना शानदार आया है जी। और देखिए कुछ इस तरीके से तोड़ने के बाद में ये आप लोग देख सकते हैं। और ये सर फ्रूटिंग का टाइम कब रहता है 15 अगस्त का? ये फरवरी में होता है। फरवरी में? फरवरी में फ्रूटिंग होती है इसकी। फरवरी से फ्रूटिंग अब तक रहती है? अब तक रहती है फ्रूटिंग। अच्छा। क्या फ्रूटिंग हुई अब ये फल जो है ये रहेगा सितंबर में पकता है। ये अभी ग्रो बैग में है। ग्रो बैग में है इसकी वजह से पक गया। ये देखो ये लगे हुए सब कच्चे हुए। अच्छा जी वो वहाँ लगे हुए अभी दिखाएंगे आप उधर की साइड में। पौधा जो बड़ा है जी जी मदर प्लांट मान लीजिए उस पर इसको पानी यानी नहीं मिला तो ये पक गया। अच्छा अभी साइज बढ़ता अगर पानी वानी मिलता टाइम पे तो छोटा पौधा है ना छोटी बैग में है इस वजह से जो है ना तो बहुत 1 किलो का 800 ग्राम का आम होता है इसमें। अच्छा 1 किलो तक का रहता है? 800 ग्राम 900 ग्राम का। अच्छा जी और सर इधर की जो ये वैरायटीज है ये कौन कौन सी वैरायटीज है? 200 में कुछ ही कवर कर पाएंगे तो ये कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी ये जो है आपकी जी ये देखिए ये चिली मैंगो है। ये चिली मैंगो हाँ मिर्चे की तरीके से होता है एकदम मिर्ची की तरह निकलता है। ये खाने में मिर्ची ऐसी होता है? हाँ, खाने में मिर्ची लंबी नहीं नहीं खाने मिर्ची खाने में मीठी होती है लेकिन वो जैसे बड़ा मिर्चा नहीं होता है लंबा सेम वही। अच्छा मिर्ची की तरह मैंगो है। अच्छा जी ये कितनी एज का पौधा हुआ कितने का है? ये लगभग जो है 3 साल का हो गया। अच्छा प्राइस कितना रहता है इसका? प्राइस इसका ये दो पौधे जो है अभी हमने मंगाए हैं 8,500 रुपए के। अच्छा अभी तैयार कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं अब इसकी अबकी से ग्राफ्टिंग करवाएंगे। अच्छा ग्राफ्टिंग करने के बाद अगले साल होगी तो 1,000 रुपए का पौधा रहेगा। अच्छा, इसका ग्राफ्टिंग करने के बाद तो मंगाया 8,000 का पौधा। जी जी यहाँ तैयार करेंगे तो सस्ता होगा। हाँ बिल्कुल थाईलैंड से मंगाया जी। अच्छा जी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ये कौन कौन से वैरायटी के मैंगो हैं। जी जी तो मैं देख पा रहा हूँ शायद ये बनाना है क्या? ये बनाना है थोड़ा जो है जी गड़बड़ हो गया। अच्छा छोटा रह गया नहीं बहुत बड़ा होता बनाना मैंगो। अभी ये थोड़ा छोटा है। हाँ हाँ पॉली बैग में लगा हुआ है। ये देखिए ये देखिए ये वो है कार्टिमोन मैंगो जी कार्टिमोन। हाँ ये देखो ये फल लगा हुआ जी ये फल लगा हुआ। हाँ ये बोर आ रहा। अच्छा और कुछ पक रहे हैं तो ये 12 मास होता है क्या? 12 मास होता है कार्टिमोन। खाने में बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए ये कौन सा? ये भी वही है कार्टिमोन है। कार्टिमोन अच्छा जी। अच्छा इसको कवर क्यों कर दिया गया सर? ये कवर कर दिया थोड़ा साफ सुथरा रहे। कलर से गंदा हो जाता है जी जी ऐसे गंदा नहीं रहेगा। जैसे ये कलर खराब हो गया वैसा नहीं होता? हाँ वैसा नहीं। कवर करने से साफ रहता है। तो इसके अलावा साइज भी अच्छा रहता है? साइज भी अच्छा रहता है। और इसके अलावा चिड़िया वगैरह भी नहीं खराब पड़ती? जी। तो देखिए ये कार्टिम कौन सा बता? कार्टिमोन वैरायटी है। ये बहुत अच्छी होती है खाने में जी। खाने में अच्छी होती है? खाने में बहुत अच्छी होती है वो मीठा होता है। अच्छा ये सर कितने बड़े गमले में अच्छा रहता है ग्रोथ करता है? 24x24 में जो है जी लगाइए अच्छा रहेगा। अच्छा जी तो अभी हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी वैरायटी सर इधर? ये जो है ये तो कार्टिमोन है सब। हाँ, सारी अच्छा सारी कार्टिमोन की वैरायटी जी, जी। और ये जो है जी ये देखिए ये बनाना मैंगो है। अच्छा हाँ ये बनाना मैंगो है जी। हाँ इसमें फल आए थे बहुत लंबे फल थे बड़े। बनाना है इसमें कुछ कार्टिमोन है जी। अब ये देखिए ये मियाज़ाकी है। ये मियाज़ाकी? हाँ ये ड्रम में है ये मियाज़ाकी लोगों का फेवरेट है जी जी। आजकल काफी ट्रेंडिंग में है ये जी जी। और कितने का फल चल रहा है सर? इसका फल कितने का रहता? ये फल 2,70,000 रुपए किलो है इसका। इस पौधे का फल 2,70,000 का? जी जी जी। अच्छा ये आपके फल था करीब 200-300 आम फले थे सब ड्रम में फले थे। अच्छा हमने सबको खिलाया बेचा नहीं। तो सर ये गमले में चलता है? गमले में चलता है फल भी आता है जी चलेगा जी। ये कौन सा? ये भी ये नहीं नहीं ये वो है नेम डोकोमई सीमू। अच्छा तो ये भी बड़ा लंबा फल होता है। थाईलैंड की वैरायटी? थाईलैंड की वैरायटी है कलर में। अच्छा जी कौन सा कलर रहता है इस पे? रेड है क्या? रेड होता है। अच्छा रेड कलर है। हाँ। तो ये वाला और वो वाला दोनों वैरायटी का जो ये इनके प्राइस कितने सर?
इसके जो है इसके 5000 का है ये पौधा। कौन सा नाम क्या है ये? नेम देखो भाई सीमो। अच्छा, इसका छोटा पौधा 1000 का मिल जाएगा जी। छोटा पौधा वो 3 से 4 फीट वाला जी। ये ड्रम में है, ये 3-4 साल से तैयार हुआ है। हाँ, इस वजह से महंगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें आप जो है ले जाए, लगाए, फल खाए। अब उसको जो है तैयार करने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। ये तैयार किया हुआ यही का पौधा। अच्छा। और हिसाब से देखा जाए महंगा नहीं है बिल्कुल। ये स्ट्रॉबेरी गोवा है। अच्छा। हाँ, स्ट्रॉबेरी गोवा छोटा होगा, बहुत लाल, बहुत अच्छा फल, खूबसूरत। अच्छा, जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी का फल होता है वैसा। जी, हाँ, टेस्ट भी वैसा टेस्ट ही होता है। सेम टेस्ट रहता है? सेम टेस्ट रहता है वो स्ट्रॉबेरी तरीके से। और ये कितने हाइट के पौधे हैं? ये 4 फीट? 5 फीट 6 फीट ऐसे है। देखिए मोटा है पौधा। क्या प्राइस रहता है सर इसका? इसका 1000 का है। अच्छा, 1000 का है ये? छोटा पौधा 200 रुपए का। ग्राफ्टेड होंगे ये तो? ग्राफ्टेड है। अच्छा, ये अपने इंडिया में कब से चलन? ग्राफ्टेड है, ये बूटी से तैयार किया गया है। अच्छा, इंडिया में अभी जल्दी से 1 साल हुआ। अच्छा, 1 साल पहले ही आया इंडिया में। जी जी। और इसका 1000 का प्राइस है, 4 फीट के पौधे का है ना? जी जी। और ये इसका फ्रूटिंग टाइम कब से कब तक रहता है? फरवरी में जो है इसकी फ्रूटिंग आने लगती है। अच्छा, साल में 2 बार देता है? एक बार फरवरी में। अच्छा जी। तो ये आप ये स्ट्रॉबेरी गुआवे भी लगा सकते हैं अपने यहाँ पर। तो बाकी 200 किस्म के आम के पौधे तो यहाँ पर हैं सारे। बहुत है वैरायटी। ये देखिए, ये जो है अरुणिका है, अंबिका है। अच्छा जी। यहाँ ये देखिए, ये देखो बड़े पौधे हैं अरुणिका के, अंबिका के। अच्छा, जैसा बिल्ले जी। ये देखिए, तो ये सारी 200 की 200 वैरायटी आपके यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत वैरायटी, ये सब अमेरिकन रेड पाल्मर है, टॉमी एक्टिंस है। अच्छा, सारी वैरायटी, बनाना मैंगो है जी, सारी वैरायटीज है। ये देखिए, ये देखो आपको अंबिका वगैरह का पौधा ऐसा नहीं मिलेगा कहीं जी। ये देखिए हेल्दी, इसका कलर कैसा? आम का बहुत अच्छा कलर है, अभी लगा हुआ फल इसका। अच्छा जी जी, फल लगा हुआ है और आम भी अच्छा है। ये इंडिया की वैरायटी है। जो लोग कहते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में फल नहीं आते हैं जी, तो वो आप लोग जो है ये नींबू लगाए जम्मू। अच्छा जी जी जी, ये जम्मू। हाँ, नाम का नींबू है और ये सर के पास अवेलेबल है। जी जी। और इस पर अच्छी फ्रूटिंग आती है सर? बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है जी। तो हम आपको दिखाए आपको। अच्छा, ये फ्रूटिंग वाले सब जो है, फ्रूटिंग वाले भी दिखाएंगे। और ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं छोटे छोटे। हाँ, पॉलिथीन में मतलब। ये देखिए इधर भी है। ये देखो, ये फ्रूटिंग आ रही है सब। अच्छा, यहाँ पर फ्रूटिंग छोटा है सर। ये सीडलेस है क्या? बीज निकलता है? बीज निकलता है लेकिन रस बहुत होता है, रसीला होता है। रसीला होता है। ये देखो फूल आ रहा, फल आ रहा। ये बताइए सर, इस पे जो ये फ्रूटिंग रहती है कब से कब तक रहती है? ये हमेशा रहती है। अच्छा, हमेशा आता रहता रहता है फूल। अच्छा। फल फूल। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए अभी भी देखिए इस पे फल आ रहा है। फल आ रहा है, साथ में फूल भी। और जो है लगे हुए हैं फल वाले। अच्छा, काफी सारे इनके पास ये लेमन मिल जाएंगे जो ये देखिए जम्मू के नाम से ये लेमन। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। तो सर इसका प्राइस क्या रहता है आपके यहाँ पर? इसका प्राइस जो है बड़ा पौधा 1000 का है जी। इससे बड़ा? हाँ, इससे बड़ा भी मिलेगा। अच्छा, ये इसका क्या रेट रहेगा? हाँ, इसका रेट जो है वो 500 का। अच्छा, 500 का। हाँ, और इसका छोटा पौधा लेंगे अगर जी, छोटी पैकेट में इतना ही बड़ा होगा तो वो आपको वो 200 रुपए मिल जाएगा। तो सर मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पर नर्सरी पे काफी सारी ये पॉली हाउस है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उधर तक। तो ये इन पॉली हाउस में क्या तैयार करते हैं आप? इन पॉली हाउस में चंदन तैयार करते हैं। अच्छा जी, चंदन, इसमें चंदन हो रहा था? हाँ, इसमें ये रूट वाला चंदन है। अच्छा जी, क्लोन क्लोन है, लाल चंदन है। अच्छा, ये देखिए, ये लाल चंदन है ये वाला? जी जी। हाँ, ये रेड दिख रहा है। हाँ, ये क्लोन किया गया है जी। ये करीब बीज वाला 25 साल में तैयार होता था। टिश्यू कल्चर से होता है सर? जी जी, ये नहीं। अच्छा, ये क्लोन किया जाएगा। अच्छा, क्लोन किया जाएगा। और जो है ये करीब 12-13 साल में आपका चंदन तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये रेड वाला चंदन है। व्हाइट वाले भी आपके यहाँ पे? व्हाइट वाला है, दिखा रहे हैं आपको, पॉली हाउस में है। अच्छा, दूसरी तरफ दिखाएंगे। हाँ, उसमें है। अच्छा, दूसरी तरफ है वो रेड वाला, मतलब व्हाइट चंदन। व्हाइट चंदन, ये रेड वाला। अच्छा, इसका प्राइस कितना रहता है प्लांट के हिसाब से, हाइट के? हाँ, ये इसका जो है 1.5 फीट का पौधा आपको वही करीब 70-80 रुपए का पड़ जाएगा। व्हाइट चंदन है वो, उसका रेट कितना रहता है सर? उसको भी यही रेट है। अच्छा जी, मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पर एक ये फेवरेट पौधा है जो कि आपने ही तैयार किया है, जिसका नाम आपने बताया 15 अगस्त में। उस पर मैंने देखा कि काफी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। और इसके अलावा ये जो पौधा है ये कितने साल का है ये भी आपको बताएंगे सर। तो देखिए, ये काफी ट्रेंडिंग में है सर आपका पौधा ये? जी जी, ये 5-6 साल का पौधा है। अच्छा जी, जमीन में लगा हुआ है ये? जमीन में लगा हुआ है। साल का पौधा, इसके आप जो है बागवानी भी कर सकते हैं, सितंबर में पकेगा ये। अच्छा, ये देखिए 1-1 किलो का करीब जो है। हाँ, ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। मेरे हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। तो इसका जो वजन है 1 kg रहता है लगभग? 1 kg है, 800 ग्राम, 700 ग्राम। अच्छा जी, 500 ग्राम, तीनों जो है
छोटा भी होगा कुछ बड़ा भी होगा। हाँ, तो ये आपने ही किस्म इजाद की है सर? जी जी, हमने तैयार किया। आपने ही तैयार की है? इसका जो वजन है 700-800 से लेकर के 1 kg तक रखता है। सितम्बर में पकेगा ये। अच्छा, अभी बढ़ रहा है क्या ये? नहीं, अब बढ़ेगा नहीं, साइज वही रहेगा। अच्छा, साइज यही रहेगा, 15 दिन के बाद से पकने लगेगा। अच्छा जी, तो इस पर टोटल कितने फल लगे हैं सर अभी? इसमें लगे तो बहुत कुछ, हमने तोड़वा दिए, ज्यादा पौधा छोटा है। हाँ, कम से कम 100 फल लगे थे हमने। अच्छा, 100 कम लगे इसमें? अच्छा, कम रखा है इस पर फल, कम पेड़ ना गिर जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी वजह से छोटा फल है, अभी करीब 15-20 फल है। जी जी, तो 15-20 फल लगे हुए हैं इसमें, और जो कि 1 kg से 800 ग्राम तक का रहता है सर का, द्वारा तैयार किया गया ये आम का पौधा है। ये मियाँ जकी का है जी पौधा। ये देखिए, ये 3 साल पुराना है ये। अच्छा, इसका स्टम्प देखिए कितना अच्छा है जी। ये आप कोई घर ले जाए, ये बेचने के लिए है। हाँ, ले जाए, लगाए, फल खाए। इसमें फल आया था, आपकी 3-4 फल आए थे इसमें। अच्छा, 5,000 का है, और बाकी छोटा पौधा लेंगे वो 800 का 700 का वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रखे हुए हैं जी, ये देखिए, ये मियाँ जकी है, ये छोटी पैकेट में है। अच्छा, ये वाले? हाँ हाँ, ये 800 का है, 700 का मिल जाएगा। 700-800 का मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा जी, जिनको बड़ा चाहिए वो बड़ा ले। हाँ, जिनको 3 साल पुराना चाहिए वो तो महंगा तो पड़ेगा ही। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सर, इधर की साइड में ये जो पौधा है, ये कौन सा पौधा? चाइना जो है वो संतरा है, चाइनीज संतरा। ये इतना ही रहता है क्या? ये नहीं, बड़ा होगा ये। अच्छा, बड़ा हो जाता है। जी जी, तो ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। गमले में भी चल जाता है? गमले में चल जाएगा। अच्छा जी, गमले में चल जाता है। और इधर की साइड में सर, ये वाला कौन सा आम का पौधा है? हाँ, ये कार्टिमोन है। अच्छा, ये कार्टिमोन है जी जी, ये का ही देखो फल भी आया। हाँ, फल ये इधर की साइड में। हाँ, ये है और इधर भी है। हाँ, तो इसकी ये कब से कब तक फलता? ये हमेशा फलता रहता है। अच्छा, हमेशा रहता है फलिंग? जी जी, तो इस पर हमेशा फल आता है। ठंडक में पकता है। अच्छा, ठंडक में खाइए जी। जो है इसमें तो जो है, ये देखिए, रेड पाल्मर है जी, अमेरिकन रेड पाल्मर। हाँ, है इसमें। और ये बनाना मैंगो है जी, और ये सब बाहर की वैरायटी है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये मियाँ जकी है। अच्छा जी, मियाँ जकी है। हाँ अच्छा, ये मियाँ जकी है जी, और ये दशहरी है। अच्छा जी जी, तो एक इस्माइली ब्रांच पे ये कितनी हुई? 2, 4, 5। हाँ, ये इरविन है। इरविन बहुत अच्छी होती है, मियाँ जकी के टक्कर की है। अच्छा जी जी, तो ये कलर अलग अलग होते हैं ना? ये सब सबके अलग अलग कलर होंगे जी, ज्यादातर कलर वाली वैरायटी है बाहर की। अच्छा जी, बनाना मैंगो जो है ये लंबा होता है, बनाने के तरीके से होता है, बहुत अच्छा आम होता जी, है जी। इसके अलावा देखिए इधर भी, ये देखो ये है, ये वैरायटी है, ये एक ये सेंसेशन है जी, टॉमी एक्टिंग से यही सब है। ये R2E2 है, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी। अच्छा, बहुत अच्छा आम होता है ये भी खाने में। सब बाहर की वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है सब कलर वाली। तो ये एक ही आम का पौधा ग्राफ्टिंग है, कितनी सारी ग्राफ्टिंग है? देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गई, एक ये दो हो गई, और ये तीन हो गई, एक ये चार, एक पाँच, और उधर 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल इस आम के पौधे पर 9 ग्राफ्टिंग की गई है। और ये सर कौन से महीने में ग्राफ्टिंग की जाती है?